केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। हवेली खड़गपुर बिहार में तीसरे चरण के नगर निकाय चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है। सभी प्रत्याशी अब अपने अपने जनता को लुभाने में व्यस्त हैं। प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपने अपने वादे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। इसी कड़ी में हवेली खड़गपुर के नगर परिषद के सभापति पद के महिला उम्मीदवार मनीषा कुमारी भी इस बार चुनावी मैदान में है। उनका कहना है कि महिलाओं को हकमारी किया जा रहा है। मनीषा कुमारी भी हवेली खड़गपुर में सघन अभियान चला रही हैं। जनता के बीच अपने वादे को लेकर लगातार जनसंपर्क में है। जनता के चर्चित महिला नेत्री मनीषा कुमारी ने बताया कि इस बार वो हवेली खड़गपुर के जनहित के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है। उनका कहना है कि हवेली खड़गपुर की सूरत को एक साल के अंदर बदलना ही उनका एकमात्र मकसद है। हवेली खड़गपुर की जनता के साथ हर सुख दुख में साथ पहले मैं रहूंगी और अब भी रही हूं। वहीं मनीषा कुमारी ने कहा कि जनता ने अगर अपना आशीर्वाद दिया तो हवेली खड़गपुर को बिहार का सबसे सुंदर और स्वच्छ नगर परिषद बनाने का सपना है। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो कहा ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।